का खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। लोग कपड़ों पर लाखों खर्च करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का सतत प्रवाह पर संतुलन सिखाता है। कपड़े जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लोग महंगे से महंगे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उन्हें संभालने के कई जतन भी करते हैं, सुव्यवस्थित वार्डरोब बनवाते हैं। इन वार्डरोब की दिशा में अक्सर चूक होने की भी आशंका जताई जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलाम पद्म माल्यम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवे दोमाहावा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का आवाहन और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, जिसके लिए ग्रहों की दशा ठीक भी करनी होती है और कभी कभी वास्तु से संबंधित चीज़ों को विशेष रूप से तिजोरी वार्डरोब इत्यादि या आपके चीज़ों के रखने का स्थान भी कुछ इस प्रकार का होता है जो आप या तो दरिद्र हो जाते हैं या आपके पास धन अकस्मात आता है। तो किस दिशा में रखें वार्डरोब ये जरूर जान लीजिए। सर्वप्रथम तो बेडरूम खुला होना चाहिए, थोड़ा सा इससे एनर्जी का आवागमन रहता है। रोजाना सूर्य को अर्घ देने से भी वास्तु ठीक रहता है और धन का आगमन होता है। धन का आगमन और अच्छा हो घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, एक बहुत ही स्वर्णिम नियम है। घर का द्वार खोलते ही सीढ़ियां सामने ना पड़े इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो ईशान आपका कोण है नॉर्थ ईस्ट और या इसके साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ कम से कम प्रातःकाल सूर्योदय कालिक सूर्यदेव से आने वाली किरणें आपके घर में ज़रूर आए। अंधेरा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से सीढ़ियाँ हों जो आपके अवरोध ना बने, यानी बिल्कुल आपका दरवाज़ा खुलते ही उसके सामने सीढ़ियाँ ना आए। इसको एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा दोष होता है कि किचन और बाथरूम जगह कम होने की वजह से भी आजकल कई लोग मजबूरी में एक साथ कर लेते हैं, तो उसका वास्तु दोष ज़रूर दूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि किचन का और बाथरूम का साथ में होना ये एक बहुत बड़ा निगेटिव ऊर्जा देने वाला एक कार्य होता है, एक ये वास्तु का दोष होता है। तो हमने जाना छोटे छोटे वास्तु दोष, किस प्रकार से इनको करें दूर, और सबसे पहले आप ये जान लें कि कौन से होते हैं दोष, उसके बाद उनको दूर करना बहुत आसान होता है। तो आप सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों और इन वास्तु नियमों का पालन जरूर करें। गुरुजी, ये तो आपने दर्शकों को बताया कि कैसे वार्डरोब बनाया जाना चाहिए, और अब दर्शकों को 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है ये भी बताइए। तो हमने जाना किस प्रकार से वास्तु ठीक करें और अब हम निर्देश ले रहे हैं ग्रहों का कि आज मेष राशि से मीन राशि तक सभी जातक जातिकाओं के लिए क्या है उनके पास खास। मेष राशि वालों, व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना लीजिए, आज लाभ में रहेंगे। छोटी यात्रा या प्रवास होने का मौका मिले तो हाथ से जाने ना दीजिए। साथ के साथ धार्मिक और कोई पुण्य का काम जरूर कर लीजिए। तो आपके तीनों ही कोणों से व्यवसायिक धार्मिक आर्थिक सब प्रकार से ठीक हो जाएगा। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना बहुत आपके लिए लाभकारी है। लाल रंग आज आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। मेष राशि वालों, अंक आपके लिए 4 का और 5 भी आज आप अजमा सकते हैं। तो 2 अंक हैं आज आपके लिए, 4 और 5। मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, धन का आगमन होगा, यानी आपके पास आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। धन के निवेश की, चूंकि आय बढ़ेगी तो निवेश की भी व्यवस्थाएं आपको जरूर बढ़ेंगी। जीवन साथी का आपको अच्छा साथ मिलता हुआ देखा जा रहा है। धन आगमन के साथ निवेश की व्यवस्था करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जरूर लें। माता दुर्गा की उपासना करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। शुभ अंक आज आपके लिए 3 है और शुभ रंग आज आपके लिए श्वेत है, क्रीम भी हो सकता है और लाइट येलो भी हो सकता है। ये अंक और ये रंग अजमाएं। मिथुन राशि वाले व्यवसायी तो अपने व्यवसाय में सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। आध्यात्मिक उत्कर्ष आपको प्राप्त होगा, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ सकती है और वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता आपके लिए जरूर अच्छे रास्ते खोलेगी। काले कुत्ते को रोटी खिलाना ये बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को दूर करेगा। बैंगनी रंग आज आपके लिए अच्छा है और शुभ अंक आज आपके लिए है 7।
सात का प्रभाव लेने के बाद अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति हो रही है, जो भी कार्य आप करते हैं छोटा बड़ा ना देखिए, जरूर आप कार्य करिए, अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। छात्रों को नवीन अवसरों की प्राप्ति होगी, गृहणियों को भी नए लाभों की, नई चीज़ों की प्राप्ति होती हुई देखी जा रही है। जीवन में न्यूनता खत्म होगी और नवीनता नूतनता जरूर आती हुई देखी जा रही है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, ये आज आपके लिए शुभ उपाय है। नारंगी रंग आज आपके लिए शुभ है और 8 का अंक आपको नई दिशाएं दे रहा है। सिंह राशि की बात करें, सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव का प्रभाव लव लाइफ में जरूर अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती हुई देखी जा रही है। रोग वृद्धि की थोड़ी सी संभावनाएं, इनको नहीं नकारा जा सकता। बजरंग बाण का पाठ करें और इसका लाभ देखें। पिंक रंग और शुभ अंक आज आपके लिए है 4 का। बजरंग बाण का पाठ आपको लाभ देगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा मध्यम फलदायी है। विचारों की समृद्धि हालांकि आपकी बढ़ती हुई देखी जा रही है। व्यावसायिक रूप से भी दिन लाभदायी है, लेकिन कुछ मध्यमता को दूर करने के लिए क्या करें, शुक्रवार का व्रत रखें या शुक्रवार को जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करें। हरा रंग आज आपके लिए अच्छा है और 2 का अंक आज आपके लिए शुभ प्रभाव लेके आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अविचारी वर्तन आपको परेशानी में डाल सकते हैं, यानी बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, ये ध्यान रखिएगा। दुर्घटना से सावधान रहें, वाहन चलाते वक्त जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा आप एक काम भी कर सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, क्योंकि शनिदेव तुला राशि के लिए योग कारक होते हैं। नीला रंग आपके लिए शुभ है और 1 का अंक भी आज आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है। तुला राशि वालों के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपका लाभकारी तो है, नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छी स्थितियां बनती हुई देखी जा रही। जीवन साथी को महत्व दें और समय दें वृश्चिक राशि वालों, तब आप देखेंगे कि आपका अच्छा प्रभाव बनेगा। आज के दिन हल्दी का सेवन करना, हल्दी से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना, नहीं तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। लाल रंग आज आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आज आपके लिए 5 का प्रभाव देके आ रहा है और 5 का प्रभाव बुध से संबंधित अंक आपकी वित्तीय लेन देन से सावधानियों को इंगित कर रहा है। तरुण राशि वालों की बात करें तो गृहस्थ जीवन में आपकी अच्छी प्रभाव, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने के आपके आसार दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी अधिकारी यानी आपसे जो ऊपर हैं वो प्रसन्न रहेंगे। 11 दिन हनुमान जी के मंदिर अगर आप प्रण करके जाते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शुभ रंग आज आपके लिए पिंक है और आपके लिए आज अंक है 9 का और 1 का। मकर राशि की बात करें तो व्यवसाय में संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, संघर्षशील आप रहिए। स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस से या जो आप कुछ सीखना चाह रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, विशेष रूप से अस्थियों से संबंधित और नसों से संबंधित समस्या आ सकती है। चींटियों को आज आप आटा डालें और त्रिचौली इत्यादि डाल सकते हैं। सफ़ेद रंग शुभ है और 4 का अंक भी आज आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहा है। देखा जा रहा है कि राहु का प्रभाव ज़्यादातर राशियों पे है। कुंभ राशि वाले अनैतिक कृत्यों से दूर रहें, अपनी वाणी पर संयम जरूर रखते हुए आप आगे बढ़ें। खर्च अधिक हो जाने के कारण धन का संकट आपका आ सकता है, अनैतिक कृत्यों से आप और परेशानी में आ सकते हैं, वाणी के संयम से परेशानियाँ दुगनी हो सकती हैं। आज शांत रहने का दिन, विष्णु मंदिर में पीत वस्त्र का दान करने का दिन और विष्णु जी से प्रार्थना करने का दिन। स्लेटी रंग आज आपके लिए शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए 4 का प्रभाव लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। छात्रों को सफलता की प्राप्ति हो रही है, चतुर्दिक सफलताएं आपके पीछे आ रही हैं। फिल्म से संबंध या अगर सोशल मीडिया से संबंधित हैं तो आज अच्छा कार्य करेंगे। विवाह की बात रखने का शानदार समय है ये। छात्रों को भी सफलता की प्राप्ति और जो लोग जो भी कुछ छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तकनीकी रूप से, उनको भी आज लाभ मिलेगा। धन से संबंधित समस्याएं भी निराकृत होंगी। चने की दाल का दान करना या इससे बनी हुई कोई चीज़ जरूर दान करें। गोल्डन रंग लगातार आपके लिए अच्छा है और 6 का अंक इस पूरे महीने आज आपके लिए सही है।
तो दर्शकों आपने देखा मेष मीन मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यवे सबके दुख दूर हो आपका दिन मंगलमय हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। गुरुजी का ये व्हाट्सएप नंबर भी है 8004036524 पर और गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। अरे?